आज का सेशन एक स्टोरी के साथ शुरू करते हैं। इंडिया में कहीं किसी एक विलेज में एक फार्मर रहता था। वो अपने क्रॉप्स में अपने वेल का पानी डालता था। एटलीस्ट पहले वो ऐसा करता था। अब वेल ड्राई हो गया है, तो गेस करो अब फार्मर क्रॉप्स को पानी कैसे देते होंगे? सीवेज वाटर। इसी से वेजिटेबल्स ग्रो किए गए और बहुत लोगों ने इसे खरीद के कंज्यूम किया। कुछ लोग बीमार हो गए, वो सीवियर एब्डोमिनल पेन से सफ़र कर रहे थे। डॉक्टर्स को उनके इंटेस्टाइन में एक पैरासाइट मिला। इंटरेस्टिंगली ये पैरासाइट उनमें कॉमन है जो लोग पिग्स और कैटल से ऑब्टेन मीट खाते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं मैं कौन से पैरासाइट की बात कर रही हूँ? वेल, मैं टेपवर्म की बात कर रही हूँ। बहुत पहले किसी को भी टेपवर्म सिर्फ पुअरली कुक्ड पिग्स और कैटल से ऑब्टेन मीट खाने से ही होता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने हमारे इंटेस्टाइन में आने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया है, जैसे कि हमारे डिस्कस किए गए फार्मर के केस की तरह। बट वेट, टेपवर्म क्या है और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं इसके बारे में क्यों बात कर रही हूँ? वेल, टेपवर्म एक्चुअली उस फाइलम में बिलोंग करता है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे, फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस। प्लैटीहेल्मिंथेस दो ग्रीक वर्ड से बना है, प्लैटी जिसका मतलब है फ्लैट और हेलमिंथ जिसका मतलब है वर्म, इसीलिए उन्हें फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। इस फाइलम में ऑर्गेनिजम्स रिबन की तरह डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं। इन फ्लैटवर्म्स को इधर फ्री लिविंग एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की तरह पाया जाता है या ह्यूमिड टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी पाया जाता है। ऐसे फ्लैटवर्म का बेस्ट एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, जो मेरीन, फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, इस फाइलम के ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जो हार्मफुल हैं और डिजीजेस कॉज करते हैं। ये ह्यूमंस और दूसरे मैमल्स में एंडो पैरासाइट की तरह रहते हैं। एंडो का मतलब इनसाइड है, तो पैरासाइट्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं उन्हें एंडो पैरासाइट्स बोलते हैं। टेपवर्म या टीनिया सोलियम एक ऐसा ही एंडो पैरासाइट है जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहते हैं। ये यूजुअली इंटेस्टाइन्स के अंदर टिश्यूज से खुद को अटैच कर लेते हैं। अटैच होने के लिए ये सकर्स एंड हुक्स का यूज़ करते हैं। एक बार अटैच हो जाएं तो ये बॉडी से वैक्यूम क्लीनर की तरह न्यूट्रिएंट्स सक कर लेते हैं। टेपवर्म की बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें इनिशियल सेगमेंट्स टाइनी पर सब्सिक्वेंट सेगमेंट्स 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इंटरेस्टिंगली सबसे लॉन्गेस्ट फ्लैटवर्म 90 फीट तक लंबा होता है। ये आपकी स्कूल बस से भी लॉन्गर है। फ्री लिविंग या पैरासिटिक कोई भी लाइफ फॉर्म होने पर भी सारे फ्लैटवर्म के सिमिलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सभी बाइलिटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ये पहले एनिमल्स हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म इवॉल्व हुई, जो उन्हें ट्रिप्लोब्लास्टिक बनाता है। फ्लैटवर्म्स में सीलोम एब्सेंट होता है और सिर्फ फ्लैटवर्म ही ऐसे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसीलोमेट्स हैं। कुछ फ्लैटवर्म्स में र्यूडिमेंट्री ऑर्गन्स जैसे फैरिंग्स और ब्रांच गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होते हैं, जो उन्हें डाइजेशन और बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। तो उनकी बॉडी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब फ्लैटवर्म्स के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे कॉमन फ्लैटवर्म है लिवर फ्लूक या फैसियोला। ये भी ह्यूमन में एंडो पैरासाइट है और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, ये लिवर को इन्फेक्ट करता है। इनका एक स्पेशलाइज्ड सॉसर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसे एसिटेबुलम बोलते हैं, जो एक सकर की तरह एक्ट करता है। लिवर फ्लूक दूसरे मैमल्स जैसे शीप, गोट और काऊ के लिवर में भी पाया जाता है। हमें ये इन्फेक्शन यूजुअली इन एनिमल्स के पुअरली कुक्ड मीट को कंज्यूम करने से हो सकता है। अब तक आपको लग रहा होगा फ्लैटवर्म्स हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। वेल, मोस्टली ये हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लैटवर्म भी हैं जो यूजफुल है। अर्जेंटीना की एक स्टडी ये दिखाती है कि वहाँ प्लेनेरिया की एक स्पीशीज़ को मॉस्किटोज़ के लार्वे पे फीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए ये मॉस्किटोज़ की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इफ़ेक्टिव है और ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करते हैं। ऑन दैट नोट, हम आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं और जो हमने अब तक सीखा उसका रिकैप करते हैं। फाइलम प्लैटीहेल्मिंथेस के मेम्बर्स को फ्लैटवर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट हैं। फ्लैटवर्म्स फ्री लिविंग एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी हो सकते हैं जैसे प्लेनेरिया, या एंडो पैरासाइटिक भी हो सकते हैं जैसे कि टेपवर्म और लिवर फ्लूक। पैरासिटिक फ्लैटवर्म में हुक्स और सकर्स होते हैं जो होस्ट टिश्यूज पर अटैच होकर होस्ट से न्यूट्रिएंट सक कर लेते हैं। फ्लैटवर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलिटरली सिमेट्रिकल और एसीलोमेट्स होते हैं।
उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। लिवर फ्लूक या फेसियोला एक कॉमन ह्यूमन एंडोपैरासाइट है जिसे दूसरे एनिमल्स जैसे शीप और गोट्स में भी पाया जाता है। प्लेनेरिया को मॉस्किटोज के लार्वे पर फीड करने के लिए यूज किया जाता है जिससे मॉस्किटोज से स्प्रेड होने वाले डिजीजेस कंट्रोल होती हैं। आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू सून। तब तक कीप लर्निंग।